हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों. हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं दैट इज कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें अभी हमने एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करी जो टोटली बेस्ड थी परसेंटेज पे. जिससे हमने परसेंटेज के पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझा, वेराइटी ऑफ सम्स किए. नाउ मूविंग टू द अनदर टॉपिक जो इसी कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आएगा, दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट एंड ऑल दैट, राइट. सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट वर्ड आएगा एक्सरसाइज चालू या क्वेश्चन चालू करने से पहले, जो दो तीन इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, पहले हम उन पर डिस्कशन करते हैं. डिस्काउंट, फाइन. डिस्काउंट वर्ड सुनते ही आप लोगों के चेहरे पे भी स्माइल आ गई होगी, क्योंकि डिस्काउंट एक ऐसा अट्रैक्टिव ऑफर होता है जो मार्क्ड प्राइस पे दिया हो जाता है, राइट. लाइक हम कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, आजकल मॉल कल्चर है, एवरीवन इज गोइंग टू मॉल टू बाय शर्ट और पैंट और ड्रेसेस और शूज और बेल्ट्स, वॉट एवर, राइट. जो भी टैग होता है, टैग पे जो प्राइस है, और अगर उस पे इफ दे आर प्रोवाइडिंग अ डिस्काउंट और दे आर गिविंग एन ऑफर ऑफ डिस्काउंट, तो डेफिनेटली हम उसको खरीदना चाहते हैं, हम उसको बाय करना चाहते हैं. तो डिस्काउंट इज टू अट्रैक्ट अ कस्टमर, राइट. तो डिस्काउंट जो होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, रूटीन लाइफ में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर और बायर और सेलर सबके लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो डिस्काउंट जो होता है, दैट इज रिडक्शन, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ, दिस इज नॉट प्रॉपर डेफिनेशन, रिडक्शन ऑन मार्क्ड प्राइस. MP इज फॉर मार्क्ड प्राइस. ये शॉर्ट में है तो अब हम इनको शॉर्ट में यूज करेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए. जो भी मार्क प्राइस है, लेट्स से 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज उस पर टैग पे लिखा हुआ है, एंड 20% शॉपकीपर हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो हम इमीडिएटली कैलकुलेट करके आंसर क्या बताएंगे, मैम 800 में वो हमें ये चीज को सेल कर रहा है, ठीक है. तो डिस्काउंट इज एन अट्रैक्टिव ऑफर. मार्क प्राइस क्लियर हो गया. मार्क प्राइस मीन्स जो उसके टैग पे या सेलिंग प्राइस है. अब हम आते हैं दो इंपॉर्टेंट टर्म पे, दैट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. सबसे पहले इनके फुल फॉर्म, दिस इज कॉस्ट प्राइस. उसके बाद जो टर्म आएगी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस. क्योंकि कोई भी चैप्टर और एक्सरसाइज करने से पहले हमको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है. कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज अमाउंट विच वी नीड टू पे एट द टाइम ऑफ परचेस, ठीक है. जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं या खरीदते हैं या परचेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस, जब भी हम कोई चीज़ बाय करते हैं एंड नाउ वी नीड टू सेल दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और थिंग और जो भी चीज़ है, ठीक है. हम हमेशा चाहेंगे कि हम उसे ज़्यादा में सेल करें, राइट. अगर हम ज़्यादा में सेल करते हैं तो वो हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर उसे हम कम में सेल कर पाते हैं तो वो हो जाएगा लॉस. वो हम बाद में आएंगे. मीन्स जब भी हमने कोई चीज़ परचेस करी, वो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस. नाउ वी आर गोइंग टू सेल दैट पर्टिकुलर आइटम, तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस मे बी ग्रेटर और लेस, इट डिपेंड्स ऑन योर आइटम और प्रोडक्ट. जो भी प्रोडक्ट है, आप तो चाहेंगे हमेशा, आप क्या सभी चाहेंगे कि हमेशा हमें प्रॉफिट हो, फायदा हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, राइट. तो अगर हम ज़्यादा में सेल करेंगे तो प्रॉफिट है, अगर हम कम में सेल कर पाएंगे तो वो लॉस है. वो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, फाइन. बट ये पता होना ज़रूरी है कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है एंड सेलिंग प्राइस क्या होती है. अब जब हमें ये टर्म समझ में आ गई, तो अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्रॉफिट. क्योंकि एवरीवन वांट्स अ प्रॉफिट, कोई भी लॉस में जाना नहीं चाहता है, ठीक है. तो प्रॉफिट जो होगा, SP मीन्स सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, तब ही प्रॉफिट होगा. अब ये फॉर्मूला नहीं है, केवल मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ. प्रॉफिट इज इफ सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. 10 रुपीज का एक पेन है, जो बाय किया उसकी बाइंग प्राइस कितनी है, 10 रुपीज. तो शॉपकीपर हमेशा चाहेगा कि उसको मैं 12, 13, 11 और 14 में सेल करूं, ठीक है. तो वो जितने ऊपर में सेल करेगा, दैट इज हिज प्रॉफिट, फाइन. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है. तो SP अगर CP से ग्रेटर है, तब होगा प्रॉफिट.
Now the formula of profit is SP minus CP, because SP is greater. अगर ये less होता, let's say हम formula अगर confuse होते हैं या नहीं याद कर पाते हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि मान लीजिए ये small है, selling price जो है वो कम है, कोई product है जिसे हमने 100 में buy किया और 80 में sell किया, तो क्या हम 80 में से 100 को minus करके minus 20 answer दे पाएंगे? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है? माइनस 20 रुपीस कभी आपने सुने हैं क्या? नहीं। ये केस जब होगा, जब लॉस का केस होगा, क्योंकि माइनस शोस इटसेल्फ लॉस, राइट? तो एसपी को ग्रेटर होना जरूरी है सीपी से अगर हमें प्रॉफिट अर्न करना है। अगर हमें लॉस हो रहा है या लॉस बेयर करना पड़ रहा है, तो वो होगा सीपी माइनस एसपी। अब हम यही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमारा सीपी था 100 एंड एसपी था 80, तो प्रॉफिट तो मैंने आपको बताया बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज़ एसपी इज 80, सीपी इज 100, तो 80 माइनस 100 इज माइनस 20, तो प्रैक्टिकली माइनस 20 रुपीस तो आपने फिजिकल कभी देखे ही नहीं होंगे, ठीक है? तो ये तो यूं भी पॉसिबल नहीं है और वैसे भी गलत है, आइडियली भी गलत है, हर तरह से गलत है। अब हम यहां आते हैं, CP was 100, SP is 80, now it is 20, actually ये minus 20 ही है, minus is showing loss, है ना? तो ये हो जाएगा आपका loss, loss is 20 rupees, हमने कोई product 100 में लिया, वो सेल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, काफी दिन तक वो प्रोडक्ट एज इट इज रखा रहा, तो हम चाहेंगे वो प्रोडक्ट कैसे भी करके निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, उसे थोड़े कम अमाउंट में सेल कर देंगे। जब हमने थोड़े कम अमाउंट में सोल्ड किया, तो वो जो होता है दैट इज लॉस। तो आई थिंक आपको अब सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आएंगे, दैट इज प्रॉफिट परसेंट, और भी फॉर्मूले आएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताती जाऊंगी, ठीक है? लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ये परसेंटेज जब निकालने आएंगे तब यूज में आएंगे, अभी पर्टिकुलर सिचुएशन में यूज में नहीं आ रहे, ठीक है? तो ये सारी टर्म्स जो है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और ये आप प्रैक्टिकली डेली ही इसे यूज कर रहे हो, बट आपको नहीं पता होता है कि आप ये टर्म्स पढ़ रहे हो, ठीक है? नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन डिस्काउंट, एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज 840, मीन्स मार्क प्राइस कितनी है 840, इज सोल्ड फॉर रुपीज 714, मीन्स सेलिंग प्राइस कितना है उसका 714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज, मीन्स हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो पता करना है, और डिस्काउंट का परसेंट क्या है वो पता करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 840 मार्क प्राइस है। सबसे पहले आप स्टूडेंट स्टेप्स भी अगर प्रॉपर लिखेंगे तो इनके भी मार्क्स होते हैं, या फुल नोटेशन लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। मार्क प्राइस इज 840, सेल प्राइस इज जितने में वो सेल कर रहा है दैट इज 714। सबसे पहले आप डिस्काउंट निकालेंगे, डिस्काउंट इज मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है, 840 माइनस 714, ₹126, means how much discount they are giving, that is ₹126. अभी हमारे पास ये रुपीस में आया है, हमको इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या तरीका रहेगा, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू जो भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है
अपॉन इंटू 100, सॉरी एमपी इंटू 100. सो डिस्काउंट परसेंटेजेस डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, जो भी मार्क्ड प्राइस थी डिस्काउंट हमें उसी पर्टिकुलर अमाउंट पर मिल रहा है, तो परसेंटेज भी वैसे ही निकलेगा. डिस्काउंट कितना आ चुका है 126, मार्क प्राइस कितनी है 840 इंटू 100. इसको कैंसिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सो फाइनली इट विल गिव यू आंसर 15%. ठीक है, आप कैंसिल आउट करके जो भी फाइनल आंसर निकलेगा वो निकालेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन शॉपकीपर इज प्रोवाइडिंग 15% डिस्काउंट ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम और आर्टिकल. राइट, बहुत सिंपल क्वेश्चन था. अब एक और इस पे बेस्ड क्वेश्चन लें जिससे हमें डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. अनदर एग्जाम्पल, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक. गर्ल की बात हो रही है तो गर्ल तो डेफिनेटली जब डिस्काउंट की बात आती है तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किसको अट्रैक्ट करता है, फीमेल को, तो ये तो जरूर बाय करेंगी. लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक इज रुपीज 220, अ डिस्काउंट ऑफ 20%, डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड ऑन सेल्स. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस. शॉर्ट में लिखा है मैंने सेल प्राइस को. नाउ सबसे पहले तो अट्रैक्टिव ऑफर है और फीमेल के लिए है, तो डेफिनेटली आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ दिखेगी, इस पर्टिकुलर शॉप पे. कैलकुलेट करना बहुत ही सिंपल है. पहले तो जो जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे क्या क्या गिवन है. लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस मीन्स अगेन मार्क प्राइस, क्योंकि वह उस पे लिस्ट करी हुई है, दैट इज रुपीज 220. यहां पर हमें डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, न्यूमरिक फॉर्म में या रुपीज के फॉर्म में ना देते हुए परसेंटेज दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम इस प्राइस पे 20% कैलकुलेट कर लेंगे. सो द डिस्काउंट इन रुपीज विल बी 220. इसको भी आप पहले एक स्टेप अगर ऐसा लिखें तो और अच्छा रहेगा. 20% ऑफ रुपीज 220, ये स्टेप और ज्यादा ठीक रहेगी. 20% मीन्स अपॉन 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 220. 0 0 कैंसिल, अगेन दिस 0 इज कैंसिल. 22 2 44 रुपीज का उस पर्टिकुलर फ्रॉक पे क्या मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, तो सभी इसे बाय करना चाहेंगे. अब हमें एक्चुअल कितना अमाउंट देना होगा, हम 220 रुपीज थोड़ी देंगे, 220 माइनस 44 करेंगे, क्योंकि हमें इतना अमाउंट का क्या मिला है, डिस्काउंट. सो द सेल प्राइस इज क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्क प्राइस वॉज 220 माइनस 44 विच इज इक्वल टू 176 रुपीज. यूनिट लिखना ना भूलें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टेप्स की मार्किंग है और यूनिट की भी मार्किंग, और फॉर्मूला भी अगर आप सही लिख दें तो उसके भी मार्क्स जरूर मिलेंगे भले ही आपका आंसर गलत है. सिंपल सा क्वेश्चन था, एक फ्रॉक था जिसका लिस्ट प्राइस क्या था, 220 रुपीज, उस पर हमें 20% का डिस्काउंट मिला, मतलब फाइनली वी नीड टू पे 176 रुपीज फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रॉक. स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को मैं आपको 100 वाले तरीके से, पहले भी हमने सारे सॉल्व किए, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आपको बता देती हूँ. दिस इज अल्टरनेट मेथड, इट इज नॉट कंपल्शन कि आप इसे फॉलो करें या उसे फॉलो करें, जो आपको क्लिक हो आप उसे फॉलो करें, राइट, बट पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी बताती हूँ. नाउ अल्टरनेट मेथड,
हमें मार्क प्राइस 220 दिया है, बट नाउ वी विल अज्यूम दैट मार्क प्राइस इज 100. 100 का पैटर्न में हम क्या करते हैं, सारी चीज 100 में अज्यूम करते हैं. लेट द मार्क प्राइस बी 100 रुपीज. डिस्काउंट परसेंटेज इज 20%. बहुत प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि 100 का 20% मींस 20 रुपीज होगा. इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 20 रुपीज. सो द सेल प्राइस मींस एसपी विल बी 100 माइनस 20 मींस 80 रुपीज. फाइन, ये आ गया इजिली. अब हम क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. एज आई टोल्ड यू कि यूनिटरी मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, आपकी रूटीन लाइफ से रिलेटेड होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो अब आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे. यूनिटरी मेथड में लिखेंगे व्हेन मार्क प्राइस इज, क्या अज्यूम किया हमने 100, देन सेल प्राइस कितना आया 80. ठीक है, ये तो सिंपल हमने इक्वेशन लिखा. अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 1 के. इफ मार्क प्राइस इज 1 रुपीज देन व्हाट विल हैपन, देन सेलिंग प्राइस विल बी 80/100. यूनिटरी मेथड का तरीका होता है, ये टर्म यहां आती है, यहां जो लिखा है वो अपॉन में जाता है. नाउ इफ मार्क प्राइस इज, क्वेश्चन में क्लियरली दी हुई है 220 रुपीज, देन सेलिंग प्राइस विल बी 80/100 इंटू 220. कटापिटी कर देंगे 176. ये डायरेक्टली आ गया, यहाँ आपको माइनस नहीं करना पड़ा. यहाँ पर आपने परसेंटेज निकाला, परसेंटेज निकालने के बाद जो अमाउंट आया उसको मार्क प्राइस से माइनस किया. दोनों ही इजी है, दोनों ही सिंपल है और दोनों ही आप कंफर्टेबली कर सकते हैं. ठीक है ना, अनदर एग्जाम्पल. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन डिस्काउंट. अ टेबल मार्क्ड एट ₹15,000 इज अवेलेबल एट ₹14,400. फाइंड द डिस्काउंट. डिस्काउंट को आई एम राइटिंग इन शॉर्ट डी एंड डिस्काउंट परसेंट. बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत स्पीडली लेंगे हम. जो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए. मार्क्ड प्राइस कितनी है 15,000 रुपीज. सेल प्राइस 14,400 रुपीज. क्लियरली डिस्काउंट क्या होगा, एमपी माइनस एसपी मींस 15,000 माइनस 14,400 विच इज 600 रुपीज. शॉपकीपर जो है वो 600 का डिस्काउंट दे रहा है हमें उस पर्टिकुलर टेबल पे. ये तो क्लियर हो गया. अब यहाँ पर हमें डिस्काउंट परसेंट भी फाइंड करना, वो भी बहुत जल्दी हम लेंगे. डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100 मीन्स 600 अपॉन 15,000 इंटू 100. टू जीरोज कैंसिल, 10 अगेन कैंसिल, 15 4s are 60. सो 4% इज योर फाइनल आंसर. शॉपकीपर इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 4%. तो स्टूडेंट आई होप कि एक दो एग्जाम्पल जो हमने लिए उससे आपको डिस्काउंट थोड़ा क्लियर होगा. अभी हम एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स लेंगे. नाउ अनदर अ शॉपकीपर बायज अ टॉय buys means cost price toy for rupees 250 and sells it for rupees
फाइंड द, यहां पर वर्ड यूज किया है गेन एंड गेन परसेंट, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, गेन मीन्स अगेन प्रॉफिट, क्योंकि गेन और प्रॉफिट बोथ आर द सेम वर्ड, सेम मीनिंग सेम वर्ड. ऑब्वियस है, दिख भी रहा है. कॉस्ट प्राइस इज 250 रुपीज एंड ही सेलिंग एट रुपीज 285, मीन्स फायदा हो रहा है उसे, क्लियरली दिख रहा है. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. सबसे पहले हम जो जो गिवन है वो लिख लेंगे. मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, बट आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे 250 रुपीज. देन सेलिंग प्राइस इज 285 रुपीज. नाउ यू विल कंपेयर. हेयर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मीन्स शॉपकीपर इज अर्निंग प्रॉफिट. वैसे तो उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है अर्निंग प्रॉफिट और ही इज गेनिंग. ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी. ये हम जब ही कर सकते हैं जब ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, अदरवाइज मैंने आपको क्या बताया, माइनस में आंसर आएगा और माइनस में रुपीज आपने कभी फिजिकली नहीं देखे. माइनस में होते हैं, मीन्स लॉस होता है, बट वो फिजिकली कभी आप ऐसा नहीं लिख सकते. आप छू के देख सकते कि माइनस का 100 रुपए, माइनस का 20 रुपए. ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, एसपी इज 285, सीपी इज 250. क्लियरली दिख रहा है 35 रुपीज का उसे फायदा हो रहा है. बट यहां पर हमें केवल गेन नहीं निकालना है, गेन के साथ हमें यहां पर आप एक और चीज ध्यान रखिए, मैंने पी लिख दिया है बट आपको क्या लिखना होगा, गेन, क्योंकि क्वेश्चन में गेन दिया हुआ है. गेन आ चुका है 35 रुपीज का. नाउ वी नीड टू फाइंड गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट, इनका मीनिंग जो है वो एक ही होगा. फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज 35 रुपीज, सीपी इज 250 इंटू 100. 14% इज योर आंसर. शॉपकीपर इज अर्निंग और गेनिंग 14% ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉय, राइट? और अगर हम रुपीस में बात करें तो ही इज गेनिंग 35 रुपीस. सिंपल सा क्वेश्चन था. नाउ मूविंग टू द अनदर एग्जाम्पल. नाउ अनदर इज ऋषि बॉट अ रिस्ट वॉच. बॉट, बॉट मीन्स अगेन क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस. बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर रुपीज 2200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 1980, मीन्स ही इज सेलिंग एट द लेस अमाउंट. यहां पे क्या हो गया, लॉस होगा. क्लियरली दिख रहा है कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है, बाइंग कॉस्ट ज्यादा है एंड सेलिंग कॉस्ट क्या है, कम है. अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहें तो भी आपको क्लियर होना चाहिए. फाइंड हैज लॉस एंड लॉस परसेंट. क्वेश्चन में ना भी कहें तो भी क्लियर है कि ही इज हैविंग लॉस इन दैट पर्टिकुलर रिस्ट वॉच. सिंपल सा क्वेश्चन है. जो जो गिवन है वो लिखेंगे. CP इज इक्वल्स टू 2200 रुपीज. आप पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रिस्ट वॉच इज सो एंड सो रुपीज. सेलिंग प्राइस इज 1980. सो आप लिखेंगे हेयर SP इज लेसर देन CP, देन ऋषि इज having loss. ठीक है, अब आप loss find करेंगे. loss is CP minus SP. formula उल्टा हो जाएगा, because minus में तो answer हम दे ही नहीं सकते. ठीक है, 2200 minus 1980, इसको subtract कर लें.
तो योर आंसर इज 220 रुपीज। अभी ये लॉस का अमाउंट आया है, बट दे वॉन्ट टू फाइंड अ लॉस परसेंटेज ऑल्सो। तो लॉस परसेंटेज भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जैसे आप प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं वैसा कि वैसा ही आप लॉस्ट परसेंट भी निकाल सकते हैं इंटू 100। आई थिंक 10 जा, सो लॉस परसेंट इज 10%। ऋषि इज हैविंग 10% लॉस ऑन दैट पर्टिकुलर रिस्ट वॉच। ठीक है ना। अनदर इज थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा क्वेश्चन है और ये न्यू पैटर्न है, ध्यान दीजिएगा। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ, और ये वाले जो पैटर्न है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही है। ठीक है। 18 मैंगोज इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोस, फाइंड द गेन परसेंट। गेन एंड प्रॉफिट दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। फाइंड द गेन परसेंट। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आपके एनटीएससी एग्जाम्स और जो भी आपके फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आते हैं और 8th के पर्टिकुलर एग्जाम में भी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया है, सीपी ऑफ 18 मैंगोस, बट सीपी रुपीस के फॉर्म में नहीं दी है। ठीक है। केवल वो कह रहे हैं 18 मैंगो की जो कॉस्ट प्राइस है इज द सेम एज द एसपी ऑफ 16 मैंगोज, मीन्स मैंगोज मैंगोज के फॉर्म में ही वो बोल रहे हैं, रुपीस कहीं भी यूज नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यस हमारा 100 वाला मेथड लगाएंगे या उस 100 को हम 1 रुपी लेके भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी। तो अभी हमें जब कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या करते हैं, लेट द सीपी ऑफ 1 मैंगो, ये करेंगे हम, बी 100 रुपीज। ठीक है। अब हमने अज्यूम कर लिया सीपी ऑफ 1 मैंगो कितना हो गया, 100। तो हम इजीली अब सीपी ऑफ 16 मैंगोज निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हम लिखेंगे सो द सीपी ऑफ 16 मैंगोज विल बी 16 × 100 मीन्स 1600 रुपीज। दोस्तों अभी तक हमने कुछ भी किया नहीं है, अब क्वेश्चन का मेन पार्ट चालू होगा। 16 मैंगो की कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई है, दैट इज 1600। अब हमें इसे सेल करना है, पर सेल में जो आप कंडीशन है वो देखें, सीपी ऑफ 18 मैंगोस, यहां लिख रही हूं मैं सीपी ऑफ 18 मैंगोस इज इक्वल टू एसपी ऑफ 18 मैंगोस, नहीं सीपी ऑफ 18 मैंगोज इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 मैंगोज, क्वेश्चन के अंदर दिया है। ठीक है। मतलब हमें कॉस्ट प्राइस 18 मैंगोज की पता करनी पड़ेगी, वो इक्वल होगी सेलिंग प्राइस ऑफ द 16 मैंगो। तो अभी हमने क्या करा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो निकाली, अब हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो लॉजिक है 100 रुपीज वाला, है ना। तो हमने क्या किया, 100 × 18 means 1800, but ये क्या है, cost price of 18 mango है, but इससे indirectly हमें क्या मिल गया, now the selling price of 16 mangoes, why 16, because they are clearly telling 18 mango की CP is equal to 16 mango की selling price। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज हमें क्लियरली मिल गया कितना है, 1800। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल 100 अज्यूम करके हमने क्वेश्चन की वैल्यूज लिखे। अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो यहां पर निकलेगा गेन, गेन इज एसपी माइनस सीपी मींस 1800 माइनस 1600 विच इज इक्वल टू 200 रुपीज। गेन आ गया तो हम गेन परसेंटेज निकालेंगे, कुछ भी नहीं दिया था फिर भी देखिए हम गेन परसेंटेज तक पहुंच गए, 200 अपॉन 1600 × 100,
200 डिवाइडेड बाय 16 अगर हम इसे सॉल्व करें इट विल गिव यू 12.5% विदाउट गिविंग एनी रुपीज इन क्वेश्चन स्टिल वी हैव सॉल्व एंड वी हैव सॉल्व द गेन परसेंटेज ऑल्सो. क्वेश्चन का लॉजिक जो छुपा था वो इन वर्ड्स में छुपा हुआ था. कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज इज द सेम मीन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो. वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया. कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगो हमने कितनी फाइंड की 100 के हिसाब से 1800. तो ऑब्वियस है हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज पता चल गई. ये वाले लॉजिक को यूज करके हमने गेन और गेन परसेंटेज फाइंड कर लिया. स्टिल आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा तो हम ऐसे के ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप इससे कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है. और स्टूडेंट अगेन आई एम रिपीटिंग ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और इंटेलिजेंस वाले हैं तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो जरूर आते हैं. अब वही का वही सेम क्वेश्चन जो था उसको हम 1 रुपीज लेके भी कर सकते हैं. मैं शॉर्ट में आपको करके बता रही हूँ अल्टरनेट मेथड ऑफ द प्रीवियस एग्जाम्पल. बाय मिस्टेक मैंने वो डिलीट कर दिया बट स्टिल मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ. क्या दिया हुआ है हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो. तो हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ मैंगो इज रुपीज 1. इंस्टेड ऑफ 100 यू कैन टेक 1 ऑल्सो बट अल्टरनेट मेथड है जैसा आपको चाहे वैसा करें. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगोज विल बी 1 × 16 मीन्स 16 रुपीज. इसको आपने निकाल लिया. नाउ पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज निकालेंगे. व्हाई? बिकॉज हमें कंडीशन दी है. ठीक है. 18 मीन्स 18 रुपीज. ये क्या है कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोज. अब वो जो लास्ट टाइम हमने लास्ट में किया वैसा कि वैसे यहां भी करेंगे. गिवन है लिखो आप यहां पे कंडीशन गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोस इज द सेम एज मीन्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोस. लिख लिया आपने. अब कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 मैंगोस आपके सामने है 18 रुपीज इज इक्वल टू एसपी ऑफ 16 मैंगोस. तो आपको सेलिंग प्राइस भी मिल गई कितनी 18 रुपीज. अब आपने बैक टू अपने क्वेश्चन पे आइए. सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगोज इज 18 रुपीज. कंपेयर कर लीजिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 मैंगो 16 सेलिंग प्राइस ऑफ 16 मैंगो 18. सो द प्रॉफिट बिकॉज एसपी इज ग्रेटर देन सीपी मीन्स आपका हो गया प्रॉफिट और गेन विच इज एसपी माइनस सीपी मीन्स 18 माइनस 16. वहां 200 आया था यहां 2 रुपीज आ गया. ठीक है. बहुत सिंपल है. आप 100 लें चाहे 1 लें मुझे बताना था इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके बताए. नाउ गेन परसेंट विच इज इक्वल टू गेन अपॉन सीपी इंटू 100 2 अपॉन 16 इंटू 100. इसको आप कट डाउन करें 2 × 16 फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 12.5% जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं. ठीक है. तो ये हो गया क्वेश्चन. अब हम इसी पे बेस्ड एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं जिससे ये और क्लियर हो जाए. इफ द सीपी ऑफ 25 चेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में ये आपको मिलता है. 25 चेयर्स इज इक्वल्स टू द एसपी ऑफ 30 चेयर्स. ध्यान देना फाइंड द लॉस परसेंट मीन्स हमें लॉस भी फाइंड करना है और लॉस परसेंट भी फाइंड करना है. जो जो गिवन है वो लिख लेंगे. आप बताएं मैं 1 लेके करूं या 100 तो हम लेट से 100 लेके करते हैं. लेट द सीपी ऑफ 1 चेयर इज 100 रुपीज. सीपी ऑफ 30 चेयर्स एंड 25 चेयर्स हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो
द सी पी ऑफ 25 चेयर्स विल बी 100 इंटू 25 मीन्स 2500 रुपीज। अभी हमारा सॉल्व नहीं हुआ है, केवल हमने एक 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 वैल्यू फाइंड आउट की। नाउ जो क्वेश्चन में लॉजिक दिया है हमें उस पर ध्यान देना है। सी पी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू एस पी ऑफ 30 चेयर्स। तो हम सबसे पहले सी पी तो पता करें 30 चेयर्स की। हमें ये बाइंग रेट ही अगर नहीं पता होगा तो हम सेल कैसे करें, ठीक है। तो इसके बाद सी पी ऑफ 30 चेयर निकालना कंपलसरी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको बाइंग रेट ही अगर नहीं पता तो आप सेलिंग रेट तो फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। 30 चेयर्स की कॉस्ट आ गई 3000 रुपीज। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सी पी ऑफ 30 चेयर्स इज इक्वल टू एस पी ऑफ, ना जो ये है हम इसको यूज करेंगे, सी पी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू एस पी ऑफ 30 चेयर्स। जो क्वेश्चन में दिया है हमने देखिए उसे ही यूज करके पता कर लिया। सी पी ऑफ 25 चेयर्स आपके सामने है 2500 रुपीस, तो आपको ऑटोमेटिकली एस पी ऑफ 30 चेयर मिल गया। मीन शॉपकीपर जो है 30 चेयर्स को सेल कर रहा है 2500 रुपीस में। इट मीन्स उसे क्या हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि उसे लॉस हो रहा है, क्योंकि 30 चेयर की कॉस्टिंग है 3000, पर जब वो सेल कर रहा है तो कॉस्टिंग आ रही है 2500, मीन्स 500 का लॉस है। आप यहां पर लिखेंगे हेयर एस पी इज लेस देन सी पी, सो लॉस इज सी पी माइनस एस पी, मीन्स 3000 माइनस 2500 विच इज इक्वल टू 500 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि एग्जाम में जनरली आते हैं, जिसमें चेयर वाला तो पक्का ही आता है, ठीक है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। तो हमने क्या किया, लॉस निकाल लिया। अब लॉस परसेंटेज निकालना मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लॉस परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, 500 अपॉन सी पी इंटू 100, उसको सॉल्व कर लेंगे। मेन क्वेश्चन को ध्यान देने वाली जो बात है वो आपकी ये है कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है आपको। यहाँ पर कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंग हमने उसको इक्वल कर दिया, जो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई वो लिख दी, तो हमें उससे मिल गई एस पी ऑफ 30 चेयर। ऐसे हम और क्वेश्चन करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल।